दोस्तों YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, हर किसी का जो भी नया चैनल बनाता है वो चाहता है कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। जब दोस्तों हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उस पर अगर हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों हम वीडियो को अपलोड तो कर लेते हैं ठीक तरीके से, लेकिन हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर भी नहीं आते हैं और उस पर व्यूज भी नहीं आते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो को किस प्रकार अपलोड करके अपने चैनल पर सब्सक्राइबर भी बढ़ा सकते हैं और अपने वीडियो पर व्यूज भी ला सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो वीडियो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद बार बार देखते हैं कि हमारे वीडियो पर कितने व्यूज आए हैं और कितने हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर आए, लेकिन उसके वीडियो पर 10 या 20 व्यूज आकर रुक जाते हैं और फिर सब्सक्राइबर की बात करें तो बिल्कुल ही सब्सक्राइबर नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप अपने वीडियो पर किस प्रकार व्यूज लाके और व्यूज जब हमारे चैनल पर व्यूज आएंगे वीडियो पर तो हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो रोजाना मिलते रहे, और हमारे वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। अगर दोस्तों आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग अगर आपके वीडियो पर सही नहीं है तो आपके वीडियो पर व्यूज भी नहीं आएंगे। अगर व्यूज नहीं आएंगे तो आपके सब्सक्राइबर भी नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों पहले तो आपको क्या करना है, जब भी आपका वीडियो आप अपलोड करते हैं यूट्यूब पर तो आपको क्या करना है, आपके वीडियो को जब भी व्यूज अपलोड करते हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन टाइटल आपका वीडियो का तो उसको पहले लगा देना है, फिर वही टाइटल आपको कॉपी करके आपके डिस्क्रिप्शन में भी लगा देना है। उसको कॉपी करके लगाने के बाद आपको अपने वीडियो को प्राइवेसी के अंदर अपलोड कर देना है। अब दोस्तों अपलोड करने के बाद आप क्या करते हैं, अब दोस्तों आप क्या करते हैं, वाइटी स्टूडियो के अंदर जाने के बाद आप क्या करते हैं, आपके वीडियो को आप पब्लिश कर देते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो को पब्लिश नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले उस पर जो टाइटल लगाया था उसको टाइटल को वही रख देना, अच्छा सा थंबनेल लगा देना है। थंबनेल लगाने के बाद आती है बात डिस्क्रिप्शन की। अब दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन जो डालते हैं ना वो आप सही नहीं डालते, आपको जिस कैटेगरी का आपका वीडियो है उस कैटेगरी का ही डिस्क्रिप्शन डालना है। अब आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो कहाँ से लेना है, आपको गूगल से लेना है। अब दोस्तों आप गूगल से किस प्रकार ले सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गूगल से डिस्क्रिप्शन लेना बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट का वीडियो बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, आपको पहले गूगल पर सर्च करना है, जैसे कि आपका वीडियो है कि यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए वो लिख दिया। लिखने के बाद आपको सर्च करना है और नीचे यहाँ पर स्लाइड करना है। आपको स्लाइड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी जो यहाँ पर YouTube सर्च जो टाइटल हैं सभी को आपको कॉपी कर देना है। आपके किसी भी कहीं पर भी लिख देने हैं या तो आप चाहो तो पूरे कॉपी कर सकते हैं, उस सभी को कॉपी कर देना है। अब कॉपी करने के बाद उसी सभी को आपको अपने जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके अंदर आपको डाल देना है, पेस्ट कर देना है। अब वही जो आपने डाला है वही उनमें से आपको तीन लेने हैं, तीन को आपके अपने टैग के अंदर जो टैग लगाते हैं तो उस टैग के अंदर आपको लगा देने पूरे के पूरे। अगर चाहो तो तीन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको चाहे पूरे लगाना है तो पूरे भी लगा सकते हैं। जब आप वो पूरे लगाने के बाद आपको अपने जो बड़े क्रिएटर के चैनल है उसके आपको क्या करना है, आपको नाम भी डाल देने हैं, कम से कम 5-6 चैनल जो बड़े यूट्यूबर हैं उसके। अब आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको यही करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो डालने के बाद आपको आपका जो जिस कैटेगरी का आपका वीडियो है उसी कैटेगरी के ही आपको डिस्क्रिप्शन डालना है, और उसके अंदर आपको हैश लगाकर आपको जो हैशटैग लगाने के बाद आपको जितने भी आपके जो यूट्यूबर होते हैं बड़े बड़े उसके सारे लगा दीजिए आप नाम, और फिर जब आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पब्लिश करना है। पब्लिश करने के बाद फिर आपको सेव पर क्लिक कर देना, आपको वीडियो को अपलोड कर देना है। अब दोस्तों आपको जब भी आपका वीडियो अपलोड हो जाए, अपलोड होने के बाद आपको कितने मिनट, 10-15 मिनट तक रहना है, जितने भी आपके व्यूज आने वाले हैं वो व्यूज आ जाएंगे इसी प्रकार। और 2 या 3 व्यूज आने के बाद आपका वीडियो रुक जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके किसी भी भाई का, दोस्त का, किसी का भी मोबाइल है उस मोबाइल को आप ले लीजिए, और जितने भी मोबाइल है उससे आप जितने उसके चैनल बने हुए उस चैनल से आप अपने वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो को ऐसा देखना है पूरा पूरा वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपके वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे। आपको इसी प्रकार 10 या 15 या 5 आपको इस प्रकार देख लेने वीडियो को पूरा पूरा, आपका 5-10 बार देख लेना आपके वीडियो को, फिर आपके वीडियो पर सुबह आप देखना 10 या 15 घंटे के बाद आपके वीडियो पर बहुत खासे व्यूज भी आएंगे,
जब व्यूज आएंगे तो आपके वीडियो पर सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही।